एक सुबह की बात है, गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुँचे तो उनको देखकर सब अचंभित हुए, क्योंकि आज पहली बार वो अपने साथ कुछ लेकर आए थे और वह एक रस्सी थी। भगवान गौतम बुद्ध अपना आसन ग्रहण करते हैं और उस रस्सी को अपने हाथों में घुमाने लगते हैं और उसमें एक गांठ बांध देते हैं। सभी शिष्य उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि अब क्या करने वाले हैं गुरुजी। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, मैंने इस रस्सी में एक गांठ लगा दी है, अब आप मुझे यह बताइए, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी? तो एक शिष्य ने उठकर कहा, गुरुजी इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह वही रस्सी है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसके रूप में परिवर्तन आ चुका है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका वायु रूप परिवर्तित हुआ है, परंतु मूल रूप से यह अभी भी वही है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, भगवान बुद्ध ने कहा। अब मैं इस गांठ को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी को दोनों छोरों से पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं और वह शिष्य से पूछते हैं, क्या इस प्रकार रस्सी को खींचकर गांठ को खोला जा सकता है? तभी एक शिष्य उठकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा करने से गांठ और कस जाएगी और इसको खोलना और मुश्किल हो जाएगा। सत्य है, बुद्ध ने कहा और एक आखिरी प्रश्न पूछा, बताओ इस गांठ को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने कहा, सबसे पहले इस गांठ को देखना होगा कि गांठ कैसे कैसे लगी है, कहां कहां से रस्सी को मोड़कर डाला गया है। यह सब समझने के बाद गांठ को खोला जा सकता है। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। मूल प्रश्न तो यही है कि जिन समस्याओं में तुम फंसे हो, जो तुम्हें दुख दर्द है, वो किस वजह से है? क्या कारण है इन समस्याओं का? बिना कारण जाने हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उस समस्या को समझो कि किस वजह से यह समस्या आई, क्या कारण है इसका। यदि आपने समस्या के आने का मूल कारण जान लिया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने से उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में विकार आ जाने से उसके अंदर की अच्छाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम रस्सी की गांठ को खोलकर उसका मूल स्वरूप दे सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी विकारों से मुक्त हो सकता है। बस उसे सबसे पहले अपनी समस्याओं का कारण जानना होगा, फिर उसका निवारण आसानी से हो सकता है। शिष्यों, जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही, और यदि समस्याएं हैं तो उनका निवारण भी अवश्य ही होगा। बस समस्याओं का कारण खोजिए और उन्हें दूर करिए। यह कहकर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन समाप्त किए।